नमस्कार दोस्तों, आज यानी 2 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस्ड न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए फ्रंट पेज पे, SBI ने MCLR रेट को कम कर दिया है। कितना कम किया, क्या है क्या नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है प्री के लिए वो सबसे ज़्यादा ये है कि MCLR रेट होती क्या है। ये होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। देखिए इससे पहले जो RBI देता था, यहाँ से हम एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे इसे। इससे पहले देखिए जब RBI जो लोन देता था या फिर जो भी कुछ करता था, बेस रेट के मेथड पे देता था। बेस रेट एक ऐसी रेट होती थी जिससे कम रेट पर RBI नहीं लैंड कर सकता था। लेकिन दिक्कत क्या आती थी, जो मॉनिटरी पॉलिसी होती थी उसका ट्रांसमिशन बैंक्स तक नहीं हो पहुंच पाता था। जैसे कि आपको पता होगा कि RBI जो CRR या फिर रेपो रेट होती है इनमें चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन कम हो, ज़्यादा हो, या फिर ग्रोथ रेट हो कम हो या फिर ज़्यादा हो। यानी CRR रेट और रेपो रेट के तहत में, इनके थ्रू में जो RBI एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता है कि बैंक्स को, कि आप भी जो जो डिपॉजिट रेट्स हैं या फिर लोन रेट्स हैं उसको घटा दीजिए या फिर बढ़ा दीजिए। लेकिन बेस रेट सिस्टम से जिससे कम बैंक दे ही नहीं सकते थे लोन, उसमें खास ट्रांसमिशन होता नहीं था। यानी RBI अपनी तो रेट कम ज़्यादा कर देता था, लेकिन बैंक्स तो उनको फॉलो नहीं करते थे। इसलिए बैंक को बोलना पड़ता था कि भाई आप भी कर लो, तभी तो काम चलेगा। अब क्या हुआ, RBI ने थक के एक तरह की नई जो लैंडिंग रेट है वो निकाली, MCLR। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होएगा, अब बैंक्स को इसके थ्रू जो है लोन देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अभी मान लीजिए बैंक ने रख दिया, SBI का एग्जांपल ले लीजिए, बैंक ने अपना जो MCLR रेट रख दी 9.20%, 1 साल तक के लिए फिक्स होती है 9.20%। अब होम लोन का एग्जाम्पल मान लीजिए, होम लोन का जो होम लोन होता है उसका स्प्रेड है मान लो 0.25%। तो अब देखिए टोटल जो होम लोन मिलेगा वो मिलेगा इतनी इंटरेस्ट रेट पे, 9.20 प्लस में 0.25 तो हो गया 9.45। अब 1 साल के बाद में जब इसका चेंज होगा, तो 1 साल के बाद में क्या होगा, अगर ये जो MCLR रेट है अगर वो हो गई 9.10, तो जो होम लोन मिलेगा वो किस रेट पे मिलेगा, 9.10 प्लस में 0.25, तो ये मिल जाएगा 9.35 पे। यानी जो ये तो सेम है, जो चेंज कर रहे हैं वो MCLR रेट को चेंज कर रहे हैं हर 1 साल के बाद में। और इसी से MCLR रेट से ही सारे के सारे जो हैं लोन्स अटैच्ड हैं, जितने भी हैं। यहाँ पे देख लीजिए MCLR रेट इसको चेंज करेंगे हर 1 साल के बाद, रिवाइज करेंगे फैक्टर्स के बाद में कि कैसे RBI ने कैसी पॉलिसी अपनाई है, कैसा जो है इकोनॉमी किस हिसाब से चल रही है, देख के MCLR रेट को चेंज करेंगे। और बाकी उसके हिसाब से सारे लोन अटैच होंगे, होम लोन, एजुकेशन लोन और जो है कार लोन, जितने भी सारे लोन हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो RBI जो कुछ करवाना चाहता है, यानी अपनी ट्रांसमिशन जो मॉनिटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन है जो वो अपनी इकोनॉमी के लिए करवाना चाहता है यूजिंग रेपो रेट एंड जो दूसरी CRR रेट या फिर जो भी रिवर्स रेपो रेट है, उसका ट्रांसमिशन अच्छे से होगा। ये फायदा होने वाला है MCLR रेट का। तो अब आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में तो देखिए वही है कि इन्होंने चेंज कर लिया है, SBI ने इसको चेंज किया है और कम कर दिया है। पहले ये 8.90 कुछ थी, 8 कर दिया। वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कितना कम किया कितना नहीं किया, बस आप इतना याद रखिएगा MCLR रेट होती क्या है, इससे पहले कौन सा सिस्टम यूज होता था। इससे पहले बेस रेट यूज होता था, अब ये यूज होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग। नीचे जो एक न्यूज़ है वो न्यूज़ है, देखिए जो कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। आजकल आपको पता होगा कि जो ये जो टैक्सीज हैं इनकी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि ओला या फिर उबेर, इनमें हमको रियल टाइम पता लग जाता है, रियल टाइम पता लग जाता है कि सारा का सारा डेटा आने हमारे पास उपलब्ध होता है ऐप के अंदर में, कि कौन सी जो टैक्सी अभी कहाँ उपलब्ध है, उसको हमारे पास आने में कितना टाइम लगेगा। अब जो है ये चीज़ें जो होती थी वो गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती थी, कि गवर्नमेंट अपने सर्वर का डाटा, कि जो GPS का डाटा होता कि कौन सी बस कहाँ ट्रैवल कर रही है, ये किसी को प्रोवाइड ही नहीं करती थी। तो इससे क्या दिक्कत आती थी कि जो कमूटर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती थी। अगर देखिए हमको पता लग जाए, हमको बस में जाना है, हमें पता लग जाए कि वो बस इतनी देर में आ रही है, इतनी देर में तो हम कोई और काम कर लेंगे। तो अब क्या है, कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पहली बार ऐसा फैसला किया कि वो भी अपना जो सारा का सारा डेटा है, जो एक जो रियल टाइम डेटा है कौन सी बस कहाँ चल रही है, वो एक थर्ड पार्टी को उपलब्ध करवाएंगी, और जिसे कस्टमर्स यूज कर सकेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यानी कहने का मतलब साफ साफ यही है कि कस्टमर्स को, यानी हमको पता लग जाएगा कि कौन सी बस कौन सी पोजिशन पर है, कितना टाइम उसे लगेगा हमारे पास आने में, तो इसका थोड़ा फायदा होगा। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो देखिए जो न्यूज़ है, ये 3-4 स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। इस स्कीम में क्या है, हेल्थ कार्ड्स इशू किए जाएंगे सभी सिटीजन्स को हरियाणा के अंदर में, और 30 डिजीज के लिए वो हेल्थ कार्ड्स इशू किए जाएंगे, जिसमें से उनका ब्लड टेस्ट और बाकी जो टेस्ट है वो शामिल है, ताकि प्रिवेंटिव केयर ली जा सके और डिजीज को पहले से रिकॉग्नाइज किया जा सके और उनका क्योर किया जा सके। इस तरह की स्कीम है, तो हम कहीं यूज कर सकें तो।
नीचे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इलेक्शंस में जो एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको लेकर है, किस तरह के इलेक्शन करवाने में एप्लीकेशंस का यूज़ किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन यूज़ करेगा, इलेक्शन कमीशन जो पोल ऑफिशियल्स हैं उनको एप्लीकेशंस यूज़ करने की ट्रेनिंग देगा और रियल टाइम डेटा उनको कहेगा कि आप इसमें फीड कीजिए ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग की जा सके और यह इंश्योर किया जा सके कि जो इलेक्शन चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है। तो बस एक ऐसा पॉइंट है कि कैसे केस स्टडी या कहीं यूज़ करना हो तो जो है ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड एग्जांपल है। इस तरह क्वेश्चन आए तो बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वायरस नंबर कौन सा है, H1N1 है, तो H1N1 है। जब भी इस तरह कोई डीज आए, क्योंकि स्वाइन फ्लू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2014 में प्री में, तो हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि वायरस नेम कौन सा है ये याद रखना है। और उसके बाद में देखते हैं, समाजवादी पार्टी में टूट जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो देखिए हमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इलेक्शन सिंबल पर एक बात कही गई है यहाँ पर कि अगर दो टुकड़े होते हैं समाजवादी पार्टी का तो इलेक्शन सिंबल जो साइकिल का चुनाव चिन्ह है इनका समाजवादी वालों का, तो वो चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, अखिलेश यादव को मिलेगा या फिर मुलायम वाले फैक्शन को मिलेगा। तो इसमें देखिए इसका दो तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं प्री से रिगार्डिंग। सबसे पहले तो इस तरह का डिसीजन लेता कौन है, तो साफ साफ आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन लेता है कि इलेक्शन मिलेगा किसको। अब दूसरा जो सबसे मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करता है वो किस बेस पे डिसाइड करता है, तो ये आपको बताना है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको बताना है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है या फिर कोई और क्राइटेरिया है इसको डिसाइड करने में, कि दो अगर किसी पार्टी के दो धड़ों में पार्टी डिवाइड हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करता है किस बेस पे किया जाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा पहले किया था, 1969 में कांग्रेस भी दो फाड़ हो गई थी, तो 1972 में इलेक्शन कमीशन का इस रूप में वर्डिक्ट आया था। तो बस इतना सा पॉइंट है। उसके बाद में ये रोहिंग्या इशू, बस कुछ खास नहीं इसमें। रोहिंग्या इशू, रोहिंग्या का आपको पता है कि म्यांमार से इनका काफ़ी माइग्रेशन चल रहा है। बांग्लादेश में 34,000 जो है रोहिंग्या अभी तक आ चुके हैं इस रीसेंट जो क्राइसिस के बाद में, और काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं क्योंकि वैसे भी अब सर्दी का मौसम है। तो इसी तरह से हैं। नीचे जो पॉइंट है एक RTI से रिलेटेड पॉइंट है। RBI से पूछा गया था कि RTI के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, RBI से पूछा गया था कि क्या जब नोटबंदी जब इंप्लीमेंट की गई थी क्या आपने कंसल्ट किया था वित्तीय मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, या फिर जो इकोनॉमिक एडवाइजर है जो सुब्रमण्यम। तो देखिए RBI ने इसका जवाब क्या दिया, RBI ने कहा ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है क्या इनसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। जबकि जो RTI के जानकार यह बता रहे हैं कि ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो साफ साफ फैक्ट है। यानी RBI ने इस तरह की जानकारी देने से मना कर दिया जब इनसे पूछा गया कि आपने कंसल्ट किया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर इनसे या नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं हम इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये तो आप ओपिनियन पूछ रहे हो। और जबकि RTI के जानकार ये बता रहे हैं कि ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो साफ साफ फैक्ट है, सीधी सी बात है कि आपने उनसे पूछा था या नहीं पूछा था, इसमें राय की क्या बात है। तो बस इतनी सी बात है। और क्या है यहाँ पर, जनधन अकाउंट में पैसे बढ़ने लगे हैं, न्यूज़ काम आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरुण जेटली कहते हैं कि जो अभी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है, वेलफेयर जो प्रोग्राम्स चलाए हैं काफ़ी सेक्शंस के लिए, जो हमने एडिटोरियल वीडियो में डिस्कस किया, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 6,000 और जो होम लोन सस्ते कर दिए गए हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है, और जो स्मॉल और मीडियम बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काफ़ी रियायतें दी गई हैं। तो अरुण जेटली का कहना है कि एक तरह से अब ये सारा का सारा पहले जो पैसा था वो होर्डिड था, ब्लैक मनी के रूप में था, अब ये सरकार के पास में आएगा और सरकार एक तरह से वही पैसा अब जनता के पास में दोबारा भेजेगी इन पॉलिसीज के थ्रू में। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह जो ब्लैक मनी को के खिलाफ जो जंग सरकार ने छेड़ रखी है उसी का नतीजा है कि हम जो अब ये वेलफेयर स्कीम्स है वो चला पाए हैं। तो यही बात है। यहाँ पे अभी तक वही जो डिस्कशन चलता रहता है डेली का डेली की डिमोनेटाइजेशन का फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए कुछ सेक्टर्स ये कह रहे हैं, एक जो एंगल है यहाँ पे, कुछ सेक्टर्स कह रहे हैं कि इसका नुकसान हुआ है, नुकसान इसलिए क्योंकि हमारी GDP श्रिंक करेगी, डिमांड घटी है, और डिमांड घटी है क्योंकि करेंसी का फ्लो तो है नहीं, तो लोगों के पास में डिमांड है नहीं, तो कंपनीज जो फैक्ट्रीज हैं वो जो माल प्रोड्यूस भी नहीं कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देखिए 2-3 महीने की बात है फिर हमारी इकोनॉमी फिर से उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि एक तरह से ये साफ साफ सिग्नल गया है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अब ये पूरे वर्ल्ड में संकेत गया कि सरकार जो है करप्शन के खिलाफ पूरा सख्त है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आने की कोशिश करेंगे, FDI ज़्यादा आएगी क्योंकि लोगों को लगेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है, इस तरह से आगे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी तो ये कह रहे हैं कि कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस कर रखा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अब जब लोगों के पास में देखिए अब 4,500 रुपये अब तो निकलवा सकते हैं, 2,000 की जब लाइन लग रही है तो फिर कार तो लेने के लिए एक प्रकार से जो करेंसी है वो उपलब्ध नहीं है, तो कार की डिमांड ऑटोमोबाइल सेक्टर जो दूसरे लग्जरी सेक्टर है वहाँ पर डिमांड काफ़ी कम आई है, तो इस हिसाब से भी जो है इकोनॉमी के श्रिंक होने के चांसेस हैं।
ये जो आर्टिकल है देखिए, ये पैकेजिंग सेक्टर से रिलेटेड आर्टिकल है। पैकेजिंग सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हमारे देश में तेजी से बढ़ता सेक्टर है। और खास करके आप दो चीज़ें देखें, एक तो देखिए फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स देखें और जो एक है फूड प्रोडक्ट्स देखें। इन दोनों चीज़ों में ये सेक्टर काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और क्योंकि देखिए इन दोनों सेक्टर में इंडिया लीड भी कर रहा है। जो यू कैन से डैट हमारा जो कंट्री है, कितने जो है डेवलपिंग कंट्रीज को आपको पता होगा कि जो मेडिसिन वगैरह है ये एक्सपोर्ट करता है, और काफ़ी जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में हमारे देश में महारत हासिल है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा देखिए, फूड में भी हमारी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, और जो फूड इंडस्ट्रीज है वो भी काफ़ी फलफूल रही हैं इस प्रकार से। इसीलिए जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो आगे पैकेज यानी उनको पैकिंग करती है, तो देखिए उसके बाद में क्या है, ये दो तीन इसमें जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है, लेकिन जितना तेज़ी से ये ग्रो करना चाहिए था उतना तेज़ी से नहीं कर रहा है। और इसको करना, इसका फ़ायदा क्या होगा अगर ये अच्छे से ग्रो करेगा? क्यों फ़ायदा यह होगा कि देखिए काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी बन तो जाते हैं, लेकिन उन उसके बाद में इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे आप मान लीजिए बनाना मान लीजिए, या फिर कोई और चीज़ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चाय मान लीजिए, टी मान लीजिए। अब क्या होता है, एक लेवल के बाद में ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर पैकिंग इनकी ऐसे की जाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कि इन जो टी या फिर बनाना है इनकी पैकिंग ऐसे की जाए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि इनकी सेल लाइफ बढ़ जाए, सेल लाइफ बढ़ जाए और वो ज़्यादा टाइम तक वो ख़राब ना हो, इस तरह की पैकिंग करने में अगर इंडिया सक्षम हो पाता है तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका एक फ़ायदा साफ साफ तो यह होगा, देखिए एक्सपोर्ट लेवल है वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर पैकिंग अच्छी होगी तो सेल लाइफ बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा टाइम तक ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होंगे तो हम इनको बाहर के देशों में भेज सकेंगे, तो इनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएंगी, तो वो सारी चीज़ें जो लिंक बनता है। और जो दूसरी बात यह है कि एक स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हमारी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट हमें करना है तो, क्योंकि आपको पता है जो यूरोपियन यूनियन होते हैं, यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स तो वैसे ही काफ़ी हाई हैं। आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन ने हमारे जो आम थे उनके आम का जो हमारा निर्यात था उसको, उस पर बैन लगा दिया था और कहा था कि आपके जो आम की क्वालिटी है वो ख़राब है और इसमें कुछ पोल्यूटेंट पाए गए हैं, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी हमारी पैकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आर्टिकल्स तो बाद जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे हमने डिस्कस किए, तो अब थोड़ी मैपिंग डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी हद तक देखिए हमने डिस्कस कर लिया है साउथ अमेरिका, तो जो तीन चार चीज़ें बची हैं वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये है लेक टिटिकाका, यहाँ पे देखिए साइड में, ये देखिए पेरू और बोलीविया के बीच में है, यानी यहाँ पड़ेगी है। साइड में देखिए जो एक कलर्ड सा मैप है जहाँ पे मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे पड़ेगी देखिए पेरू और बोलिविया के बीच में पड़ती है लेक टिटिकाका। तो आपको याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है, एक तो देखिए इसकी लोकेशन है क्या, अगर ओवरऑल अगर वो पूछ भी लेते हैं तो वेस्टर्न, जो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में इसकी लोकेशन है। दूसरा ये एंडीज़ के हाईलैंड्स में आती है इसकी लोकेशन, यानी यहाँ पे देखिए आपको पता ही होगा एंडीज़ है, तो जो लेक टिटिकाका आती है वो एंडीज़ के हाई प्लेन्स में आती है। बस दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और कंट्रीज़ के नाम याद रह सके तो ठीक है, नहीं तो कोई खास ज़रूरी नहीं है, बस लोकेशन पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका के बीच से भी और वेस्टर्न पार्ट में है। और उसके बाद में देखिए एक जो इम्पोर्टेंट लोकेशन आती है वो आती है कौन सा नीचे था वो ग्रान चाको, यहाँ पे देखिए ग्रान चाको ये रीजन है ये, और ये इस रीजन में है। यहाँ भी तीन चार देश आते हैं, देखिए अर्जेंटीना आ गया, मैं नाम लिख देता हूँ पहले आपको ग्रान, चल जा भाई ग्रान चाको। देखिए ये एक मार्सी और ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो लैंड है, और काफ़ी सारे देश इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे ब्राज़ील आ गया थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे प्रागवे भी आ गया और थोड़ा बहुत बोलीविया भी आ गया, तो चार पांच देश इसके अंदर में आते हैं ग्रान चाको। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्रान चाको कहाँ है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए ग्रान चाको है साउथ अमेरिका के अंदर में। दूसरा आपको ये पूछेंगे कि ग्रान चाको है क्या, कोई पहाड़ है, नदी है, माउंटेन है, रिवर है क्या? तो एक मार्सी लैंड है, मार्सी लैंड है और काफ़ी यहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, तो लो लैंड है, लो प्लेन्स हैं, तो कॉटन की कल्टिवेशन यहाँ पे होती है। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये चार पांच रीजन, चार पांच देश आपको पता होना चाहिए। तो चार पांच चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए ग्रान चाको। उसके बाद में देखिए अगला जो लोकेशन है वो है देखिए एल्टीप्लानो। एल्टीप्लानो एक तरह का, यहाँ पे देखिए आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, पहले नाम बताता हूँ एल्टीप्लानो। ये एक प्लेट्यू है और ये दो कंट्रीज़ के बीच में, वैसे देखिए बोलीविया के अंदर में है थोड़ा सा, ये पेरू के अंदर में भी है, एंडीज़ में देखिए यहाँ आता है ये भी, बोलीविया
जो टिटिकाका लेक के पास में ही है, और थोड़ा बहुत ये पेरू में, ज्यादातर ये बोलीविया में है, लाल जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे है ये। बस कोई खास आपको देखिए एकदम लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए सबसे, अगर देखिए फ्रेंकली बताऊँ तो आपको बस अगर इतना भी पता होगा कि सारी चीजें साउथ अमेरिका में है, ये भी मोर देन सफिशियंट है। फिर भी हमने डिटेल से इसलिए डिस्कस किया क्योंकि चीजें याद रह जाएंगी। ज्यादातर बस आपको ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की बस इतना ही याद रहना चाहिए कि साउथ अमेरिका के अंदर है सारी की सारी, जैसे अटाकामा डेजर्ट कोस्टल डेजर्ट है साइड में है, एंडीज जो है साउथ अमेरिका में, सारी चीजें बस हमें लोकेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी किन देशों के बीच में है क्या नहीं है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर भी कर लेंगे हम, कुछ छोड़ेंगे नहीं, आगे चलते हैं। ओपेक आता देखिए आगे, ओपेक एक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 13 देशों की है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि ओपेक है क्या, एनजीओ है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको टिक लगाना है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है। 1960 में इसका गठन किया गया था बगदाद के अंदर में। शुरू में जब इसका गठन किया गया था तो 5 देश सिर्फ इसमें थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, और इसका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर में। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, शुरू में कौन से कितने मेंबर थे और क्या है, और हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका है वियना के अंदर में, और 13 देश याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। उसके बाद में क्या आता है देखिए, 2015 में 13 देश मिलकर 42% अभी जो है तेल की प्रोडक्शन करते हैं, और इन 13 देशों के पास में 73% यानी 73% जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है। ये देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से 13 देश हैं, कौन कौन से 13 देश हैं देखिए, ये भी पूछेंगे तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर भी आप देख लीजिए अगर एक बार देखना हो तो। सऊदी अरेबिया है, अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्वेडर है, ईरान है, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुएला। तो करता क्या है देखिए, मैं ये तो इसमें 13 देश हैं, नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई खास तो नहीं पूछेंगे। इंडिया स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके मेंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, तो उनके मेंबर्स एक लेवल के बाद में यूपीएससी नहीं पूछती, लेकिन फिर भी अगर हमने देखे हुए हैं, एक बार पढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि ये ओपेक करती क्या है। देखिए ओपेक एक तरह से कार्टल बनाती है, कार्टल होता क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ दिखेगा। कार्टल क्या होता है देखिए, अब आपको पता होगा कि एक तरह से जो तेल के दाम है काफी कम हो गए हैं वर्ल्ड के अंदर में, क्यों, क्योंकि अब यूएस के पास में जो है सेल गैस मिल गया यूएस को, तो दिक्कत क्या है, यूएस को सेल गैस मिल गया, इसलिए यूएस ने इंपोर्ट करना कम कर दिया मिडिल ईस्ट से, और तो मिडिल ईस्ट के जो देश थे जितने प्रोडक्शन पहले कर रहे थे लेकिन प्रोडक्शन वो आज भी उतनी ही कर रहे हैं। तो एक तरह से देखिए आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, तो पहले तो यूएस उनसे इंपोर्ट कर रहा था तो तेल की डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा होती है रेट उस चीज़ का ज़्यादा होता है, यानी वैसे तो उल्टा भी होता है, एक दो चीज़ों में एक्सेप्शंस भी इसकी होती हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे इसके। लेकिन अब क्या हुआ, यूएस के पास में सेल गैस आ गई तो उसकी डिमांड कम हो गई तेल की, लेकिन वो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही और उससे ज़्यादा, बल्कि आपस में कॉम्पिटिशन है, तो इससे होगा क्या कि तेल के रेट इसीलिए कम हो गए, और भी काफ़ी सारे रीजन्स थे इसके। तो देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, 1973 में भी आई थी इस तरह की सिचुएशन जब ऑयल क्राइसिस आए थे, तो इन 13 देशों ने क्या किया, 13 देशों ने मिलकर एक कार्टल बनाया हुआ है, कार्टल ऐसा कि सारे के सारे तेल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, और ये इन्होंने यह डिसाइड किया हुआ है कि ऑलमोस्ट कि इससे नीचे रेट पर तो हम तेल नहीं बेचेंगे किसी भी देश को। इससे होगा क्या, इससे इन्हीं को फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा, कंपटीशन में आपस में मार्केट बनाने के लिए कुछ देश इतना सस्ते दामों में तेल बेच देंगे कि उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बाकियों को भी वही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए सऊदी अरेबिया और ईरान का, सऊदी अरेबिया और ईरान एक तरह से कंपिटिटर कंट्री हैं। अगर देखिए सऊदी अरेबिया ने क्या किया, तेल के रेट कर दिए कम, क्योंकि आपस में कंपटीशन है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, 100 रुपये रेट है लेकिन वो बेच रहे हैं 50 पर। अब देखिए ईरान इसका कंपटीटर है तो ईरान को भी 50 करना पड़ेगा या फिर 50 से कम करना पड़ेगा, अगर कम नहीं करेगा तो सारे देश सऊदी अरेबिया से खरीदेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, अगर इस तरह की पॉलिसी चलती रही तो सारे के सारे मिडिल ईस्ट में क्या होगा, रेट के दाम तो बिल्कुल 10-20 तक पहुंच जाएंगे आपस में कंपटीशन चलते चलते। तो इसलिए इन सब ने 13 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं, विवाद हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन तेल को बेचने में एक तरह से सहमति बनाते कि इससे कम हम नहीं बेचेंगे ताकि सबको फायदा हो और मार्केट है वो बनी रहे हमारी। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह कार्टल है ये जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आगे देख लेते हैं क्या आता है इसमें, हेडक्वार्टर हमें पता है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और बगदाद में बनाई गई थी, अभी वियना में इसका हेडक्वार्टर है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या आता है, अब देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स हैं जून के।
सबसे पहले तो देखिए जून के करंट अफेयर में आता है स्वच्छ युग कैंपेन, जो वहां पे फेमस था पिछले साल जून में, तो इसका नाम है स्वच्छ युग कैंपेन। था किस लिए ये देखिए, इसलिए था क्योंकि जो गंगा के किनारे जो ओपन डेफिकेशन होती है उसको रोकने के लिए और उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम चलाया था। इसमें तीन जो यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं उसका गठबंधन है, जैसे कि एक तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की जो मिनिस्ट्री है, दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है, दूसरी मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर, जो हमारी युवा एंड खेल कल्याण वाली जो मिनिस्ट्री थी, युवा खेल कल्याण वाले की जो है, और तीसरी जो मिनिस्ट्री है वो वाटर रिसोर्सेज। तीन मिनिस्ट्री ने मिलकर यह प्रोग्राम चलाया था स्वच्छ युग कैंपेन। तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी वाटर रिसोर्सेज वाली, जिसकी जो मिनिस्टर है उमा भारती। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें जो 5169 विलेजेस हैं जो गंगा के किनारे हैं और जो काफी सारी पंचायत हैं पांच स्टेट्स में फैली गई हैं, जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल, जो नदी के गंगा नदी के किनारे फैले हुए हैं, इनकी मॉनिटरिंग होगी वहां पे और मॉनिटरी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वहां पे गांव को कि आप जो ओपन डेफिकेशन आपके गांव में होती है उसको बंद कीजिए, और एक नोडल ऑफिसर भी वहां पे बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मॉनिटरिंग करेगा कि जो ओपन डेफिकेशन का जो स्वच्छ युग कैंपेन है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, वो यूँ पूछ लेंगे कि स्वच्छ युग कैंपेन आया किस लिए था, तो बस ये स्पेशली ओपन डेफिकेशन के लिए आया था और स्पेशली गंगा किनारे आया था। आगे देखिए जो एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है और काफ़ी पिछले साल ये इशू सुर्खियों में था, वो है एक ड्राफ्ट पेश किया गया था नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल। तो यहाँ पर देख लीजिए नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल, ये वाटर को कैसे यूटिलाइज करना है उसके रिगार्डिंग ये बिल था, तो काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट थे, देखिए इसमें कैसे आपको पता होगा कि वाटर कौन सी लिस्ट में आता है, और उसके बाद में वैसे तो देखिए वाटर स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी जो एक गाइडलाइंस दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक तरह का बिल बनाया था कि वाटर को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और वाटर को कंजर्व किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और मैनेजमेंट इसकी अच्छे से की जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो काफ़ी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। तो हाइलाइट्स क्या है उस बिल की, सबसे पहले तो ये डिसाइड किया गया कि देखिए जो वाटर है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए हर एक ह्यूमन बींग का, यानी अगर किसी के पास पैसे हैं या नहीं है लेकिन पानी पीने का जो अधिकार है साफ पानी पीने का वो हर किसी का है, तो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट है हर एक बंदे की पूरी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में एक सिस्टम होना चाहिए जिसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, ग्रेडेड प्राइस सिस्टम, यानी इसमें क्या होगा एक तरह से जो जिसकी क्षमता होगी जितना पानी यूज करेगा उसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, ग्रेडेड प्राइस सिस्टम। यानी जो देखिए जो गरीब लोग हैं जिनके पास में है थोड़ा सा पानी जो इस्तेमाल करते हैं उनको देखिए मिनिमम क्वांटम ऑफ वाटर प्रोवाइड कर दीजिए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं जैसे मिडिल क्लास वाले उनके थोड़ा बहुत आप बिल रख दीजिए, लेकिन जो अमीर और जो वाटर का काफ़ी वेस्ट करते हैं जैसे इंडस्ट्रीज या फिर ये सब कुछ जो होते हैं, इनके लिए आप एक ऐसा प्रोविजन लाइए कि आप जितना पानी यूज करोगे आपको उतना पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह की बात इसमें कही गई है। और दूसरा देखिए एक नया कंसेप्ट लाते हैं, दूसरा कंसेप्ट है कि नेशनल वाटर क्वालिटी एंड फुटप्रिंट स्टैंडर्ड्स का, जिसमें क्या होगा कि हर एक चीज़ को करने से, हर एक कार्य करने को करने से कितना पानी यूज हो रहा है उस चीज़ को एक फुटप्रिंट्स के जो पैरामीटर है उस पर तोलेंगे, ताकि देखिए अगर इंडस्ट्रीज हैं कोई भी अगर पानी को यूज़ करती हैं तो कितना फुटप्रिंट्स यूज़ कर रही हैं, इस तरह से अगर कोई ज़्यादा फुटप्रिंट्स यूज़ कर रहा है तय सीमा से तो उस पर पेनल्टीज लगेंगी, उस पर फाइन लगेगा। उसके बाद में आता है देखिए इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्लान, जो कि है देखिए एविरल धारा और निर्मल धारा। एविरल धारा आपको पता होगा कि दो तरह से होता है, देखिए जैसे गंगा के रिजुवनेशन की बात हम जब करते हैं तो एक होता है एविरल धारा, मैं आपको बताता हूँ, एविरल धारा होता है कंटिन्यूअस फ्लो, कि जो फ्लो है गंगा का चलता रहे, और निर्मल धारा होता है पोल्यूशन उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा गंगा को कई सीजन के दौरान में या फिर जो डैम वगैरह है उसके कारण में जो फ्लो है वो कम हो गया है, तो एविरल धारा का मतलब है कि फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए। निर्मल धारा का मतलब है जो पोल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए, एविरल और निर्मल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या आता है, आगे और भी कई दूसरे तरह के प्रोविजंस हैं इसमें, जैसे कि एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाएं ताकि जो वाटर डिस्प्यूट्स पर जो विवाद है उनको सुलझा लिया जाए, और एक तरह से यही बात है कि जो वाटर है उसको कंजर्व करने में कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता ली जाए। तो ये सारा का सारा जो आर्टिकल था काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। फिर उसके बाद में देखिए एक इशू जो इम्पोर्टेंट था पिछले जून में, वो था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू था क्या ये सारा का सारा,
देखिए इशू ये था कि आपको पता होगा कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी उन्होंने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे वो अपॉइंट किए थे, तो उन पर अभी ये केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास में कि जो उन्होंने अपॉइंटमेंट करी थी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आती है और दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में उन विधायकों को जिनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया था उनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए, इस बात पर विवाद है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखिए इस तरह की चीज़ होती है कि देखिए सीधी सी बात यह है कि कोई भी एमएलए या एमपी सरकार से डबल तनख्वाह नहीं ले सकता। एक तो देखिए उनको एमएलए या एमपी बनकर भी तनख्वाह मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो एमएलए की तनख्वाह भी ले रहे हैं और कोई दूसरी तनख्वाह भी ले रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी साथ साथ कर रहे हैं या फिर और कोई भी तनख्वाह, मतलब सरकार से दो चीज़ों की तनख्वाह वो नहीं ले सकते अगर वो कानून के से एलिजिबल नहीं है। जैसे देखिए अब जैसे प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ये सब तो क्या है, इनको तो एक तरह से छूट मिली हुई है, इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं एज ए मंत्री रहते हुए, तो इनको तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर रहते नहीं है। लेकिन जो बाकी एमएलए या एमपी होते हैं तो इनको देखिए सिर्फ एक ही तनख्वाह मिलती है। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने 21 जो थे वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए। अब उन पर आरोप लगता है कि वो 21 जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते थे दिल्ली के अंदर में, क्यों, क्योंकि देखिए 10% जो है रोक है, आपको पता होगा कि जो वैसे है जनरली 15% रोक है कि जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली के उससे 15% से ज़्यादा आप जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट नहीं कर सकते, और दिल्ली के पास में स्पेशल स्टेटस है इसलिए दिल्ली में 10% से ज़्यादा जो है वो मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शायद जिसका नंबर 6 ही है, एक चीफ मिनिस्टर 6 मिनिस्टर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो 21 कर दिए। अब 21 कर दिए तो एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए, कर सकते थे सिर्फ 6 और इन्होंने 21 कर दिए, तो अब इनको तो तनख्वाह मिलती थी एज ए मिनिस्टर, वो बात अलग है कि देखिए राजनीति में मत जाइए कि ये कह रहे हैं हमें नहीं मिलती थी हमने फायदा नहीं उठाया, लेकिन ये केस अभी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास में। बात ये कि इन्होंने गलत फायदा उठाया जो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट करके, एक तो इन्होंने एमएलए का फायदा उठाया एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का, दो चीज़ों का फायदा उठाया और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते थे। और वैसे देखिए काफ़ी जो इशू है काफ़ी बड़ा इशू है, तो इस 2-3 मिनट में तो इसको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन बात यह है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि देखिए ऐसा पद जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता हो या फिर गवर्नमेंट द्वारा रिमूव किया जाता हो या फिर गवर्नमेंट द्वारा आप कह सकते हैं कि तनख्वाह उसकी डिसाइड की जाती हो, अप्रूवल या फिर रिमूवल और जो है कुछ भी अगर उसमें असेसमेंट चेंज लाना हो, अप्रेजल देना हो, ये सारी चीज़ें अगर उसमें गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता हो या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड किसी अथॉरिटी द्वारा किया जाता हो तो वो पोस्ट आती हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में। थोड़ा सा था, ज़्यादा तो डिटेल में हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कौन कौन से जो पोस्ट है हमारे इंडिया के अंदर नहीं आते, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया और दूसरे और कौन कौन सी है, 5-6 ये पोस्ट हैं, आप बताइए इसका आंसर दीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट नहीं आती हमारे इंडिया के अंदर में। अगला जो इशू है देखिए ये थोड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आजकल जिस तरह से फ्रीबीज या फिर मनी पावर का यूज़ होता है इलेक्शन के दौरान में, तो हमारे पास क्या है इनफ पावर अवेलेबल नहीं है, तो आप हमको इनफ पावर दीजिए। क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ था, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने काम तो देखिए हमेशा ही करता है, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए तमिलनाडु के अंदर में काफ़ी एक ऐसा आरोप लगा था कि तमिलनाडु के दो कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन था, एक था जैसे अरावाकुरुची एक था थंजावुर, तो नाम तो याद रखने की जरूरत है नहीं। कहने का मतलब यह कि यहाँ पे आरोप लगा था कि काफ़ी मनी पावर का यूज़ किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों इलेक्शंस को कोग्निजेंस लेते हुए वहाँ पे उस इलेक्शंस को रद्द कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा पैसों का यूज़ करके जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए वो हमने किया था वो तो चलो आप मान लीजिए एक रेयर इंस्टांस था, आप हमें पावर दीजिए कि हम ऐसा अक्सर कर सकें, आर्टिकल नंबर 324 है अभी फिलहाल, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसको तो देखिए रेयरली यूज़ किया जाना चाहिए, इसकी सहायता से हम बार बार एक्शन नहीं ले सकते, हमारे पास में साफ साफ पावर होनी चाहिए किसी भी इलेक्शन को रद्द करने की अगर वहाँ पे इलेक्शन को जो होता है इलेक्शन में किसी तरह की खामी का अगर हमें पता लगता है तो इस तरह की बात थोड़ा रिफॉर्म की बात है। एक इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो है अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। देखिए नेशनल यहाँ पे देखिएगा जो कंज्यूमर कोर्ट भी आप इसे कहते हैं, जैसे नेशनल कंज्यूमर ये नेशनल लेवल पे है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएगी इससे। देखिए इन्होंने पिछले साल जून में एक डिसीजन दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इन्होंने एक हॉस्पिटल पर फाइन लगाया, क्यों, क्योंकि देखिए इन पर हॉस्पिटल पर आरोप लगा था कि जो इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन था वो अच्छे से नहीं किया और इसके कारण से किसी व्यक्ति को वहाँ पर एड्स हो गया।
तो इसीलिए ये सुर्खियों में था। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं है क्या। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि कौन किस टाइप की बॉडी है। तो ये बॉडी है क्वेसी जुडिशियल बॉडी। क्वेसी जुडिशियल बॉडी आपको पता होगा, दो तीन बार हमने डिस्कस किया, तो आप बताइए आंसर में बताइए, रिवाइज हो जाएगा, है क्या क्वेसी जुडिशियल बॉडी। उसके बाद में देखिए कब ये गठित की गई थी, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है तब ये गठित की गई थी। और इसमें क्या है, हर एक लेवल पे ये है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, उसके बाद में नेशनल लेवल पर भी है। नेशनल लेवल पे वो केसेस हैंडल होते हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा होते हैं कंज्यूमर, यानी हर कोई नेशनल लेवल पे सीधा नहीं जा सकता, अपील कर सकता है या तो स्टेट के आगे, पहले डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या नेशनल में, या फिर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के केसेस हैं। दूसरा, अगर नेशनल लेवल पे भी हार जाते हो तो ये भी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, यूपीएससी ऐसे पूछेगी, इस जो नेशनल कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन है वो फाइनल है? नहीं, वो फाइनल नहीं है। उसके बाद में जो ये है अपील सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर अपील करनी है, अगर यहां से खारिज हो जाए तो 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। उसके बाद में देखिए ये आता कि जो इसकी सेंट्रल काउंसिल है, क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, जो ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन है, इसकी जो सेंट्रल काउंसिल है उसका हेड कौन होता है? तो इसकी सेंट्रल काउंसिल का जो हेड होता है वो होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का जो मिनिस्टर होता है, यानी शायद हमारे अभी रामविलास पासवान है। तो इस तरह से जो इस मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर का जो हेड होता है वही सेंट्रल काउंसिल का हेड होता है। तो ये किस लिए है? ये देखिए कंज्यूमर्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए, अगर उनके साथ में किसी तरह का धोखा होता है दुकानदार द्वारा, उनके उनके राइट्स को एसर्ट करने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, 3 टायर्स का स्ट्रक्चर है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपील खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, तो 3 टायर सिस्टम है। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक बात कि जो ये हमारा पॉलिटिकल करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो गए, और भी कुछ बचा होगा जून के तो वो देख लेंगे। आगे हमारा शेड्यूल वैसे ही चलेगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, उसके बाद में एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।